हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, इस तरह का एक प्रश्न दिया गया है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम इसको कैसे हल करेंगे? अब हमें सपोज करना होगा कि एक इस तरह की मीनार, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस तरह की एक मीनार है, इस तरह बना लेते हैं कि ये मीनार हो गया, मीनार हो गया, और इसके आधार, इसका आधार हो गया, आधार से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर दूरी हो गया, इसको हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, और इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण दिया है 60 अंश, तो इसका उन्नयन कोण हो गया, h ऊंचाई हो गई, ये देख रहे हैं राइट एंगल होगा, 90 अंश का होगा ये, और इसके बीच की दूरी दिया गया है 100 मीटर, ऊंचाई दिया गया है h मीटर। अब हम इसके शीर्षों के कुछ नाम रख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसे बी लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं। अब हमें यह ज्ञात करना है कि यह चीज़ की क्या होगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका हल इस तरह करेंगे, लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। आपने मान लिया कि इसकी ऊंचाई h मीटर है। अब इसके बाद आपको देख रहे हैं कि इसमें एक त्रिभुज बना है ABC, जिसमें B कोण समकोण है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में हमें निकाल लेना है tan थीटा क्या होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें देख रहे हैं कोण भी समकोण है, आप देख रहे हैं कि कोण, इसका कोण ABC बराबर 90 अंश का है, और कोण AC भी देख रहे हैं कितना दिया गया है 60 अंश। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोण C बराबर 60 अंश, और देख रहे हैं 60 अंश, और ये हो गया 90 अंश। और एक चीज़ दिया गया कि BC बराबर दिया गया है 100 मीटर, आप लिख देंगे BC बराबर 100 मीटर। अब त्रिभुज में हम लिखेंगे कि त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना होता है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। तो देख रहे हैं लंब कितना है, लंब देख रहे हैं यहाँ पर h लिखा है, तो आप लिख देंगे h, और आधार कितना लिखे 100, यहाँ पर लिख देंगे 100, और देखिए अब tan थीटा, थीटा के स्थान पर 60 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे हो जाएगा tan 60 अंश
बराबर लंब हो गया एच, और एच बटे हो जाए कितना, आधार है इसका 100, इस तरह से लिख देंगे। अब हम एच निकाल लेंगे, टैन 60 का मान रख देंगे। टैन 60 का मान कितना होता है, टैन 60 का मान होता है कड़ी में 3। तो आप लिख देंगे कि कड़ी में 3 बराबर एच बटे 100। और अब आप इसको लिख सकते हैं कि एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर आ गया 100 कड़ी में 3। तो इस तरह से इसका मान आ गया 100 कड़ी में 3। इसकी ऊंचाई आपको मालूम हो गई, 100 कड़ी में 3 हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।